तनक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए टप्पू, ये तो गड़बड़ हो गई। आज ही स्कूल में छुट्टी मिली है, सोसाइटी में से भी हमारी छुट्टी ना हो जाए। अरे गोगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे वेकेशन में तो ऐसे कई धमाल होने वाले हैं, है ना? जरा संभल के खेला करो बच्चा। वो टप्पू भी क्या क्या तोड़न तोड़ी। अरे ये क्या कर दिया टप्पू, कितनी बार बोला है कि आराम से खेला करो, आराम से खेला करो। भाई भिड़ा, ये सोसाइटी में चल क्या रहा है? यहाँ पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। भाई आज से सोसाइटी में बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल कैंसल कैंसल। हाँ करो, कैंसिल करो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, बच्चों के वेकेशंस हैं और बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? सही बात है। नहीं नहीं, खेलो, खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं कोमल भाभी जी, लेकिन किसी का नुकसान हो ऐसा क्यों खेलना? एक पोपट का कंदील तोड़ दिया, मेरे पे चाय गिरा दी। और आपने जो मेरा बोर्ड तोड़ दिया भिड़े मास्टर जी, उसका क्या? अरे कौन सी भाषा में समझाओ मैं हाथी भाई, मैंने आपका बोर्ड नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ बॉल फेंका और ये टप्पू ने से बैट घुमाई और वो बॉल वहाँ पे जाके। अरे हाथी भाई, आपका बोर्ड बाद में, भाई बोर्ड दूसरा भी बन जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरा रिश्ता टूट गया है, इन्होंने मेरा कंदिल तोड़ दिया। अच्छा पोपटलाल, नक्की करो रिश्ता टूटा या कंदिल टूटा है। अरे भाई भिड़े, कंदिल टूटा इसलिए रिश्ता टूटा है। पोपट अंकल, हम लोग आपको वादा करते हैं कि हम लोग हमारी पॉकेट मनी बचा कर आपको नया कंदिल लाकर दे देंगे। हाँ। अरे भाई टप्पू बेटा, पैसों की बात नहीं है, मुझे यही कंडील चाहिए भाई, ये कंडील मेरी शादी कराने वाला था। ये अकेला, ये पोपट का इलाज कर, ये पागल हो गया है। अरे कंडील लगाने से क्या शादी होती है? अरे दिवाली में करोड़ों लोग कंडील लगाते हैं तो क्या सबकी शादी हो जाती है? सही बात है। क्या है ना चाचा जी, मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई मामूली कंदील नहीं था, ये मुझे एक सिद्धि प्राप्त ज्ञानी पंडित ने दिया था, 100% गारंटी वाला कंदील था। ए, वो कौन है? पोपट लाल, तुमको कितनी बार बोलने का कि ये पंडित महाराज सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है, साइंस साइंस। तो अय्यर भाई, ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है, कुछ साइंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? अरे ये गंजे सर पर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? ए भाई ये, तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? वो बेटा सॉरी, वो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। एग्जांपल? और अय्यर भाई खबरदार, आज के बाद मुझे साइंस का एग्जांपल दिया है तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, दुनिया हिलाने के लिए हाई पावर ग्रेविटी चाहिए, और तुम्हारा तो वजन भी कितना कम है, तुम क्या दुनिया हिलाओगे? चाचा जी आप अय्यर भाई को समझा दो वरना मैं। चाचा जी आप ये पोपट लाल को समझाइए। चाचा जी अगर समझाना ही है तो भिड़े मास्टर को समझाइए ना। मुझे क्या समझाइए, मैं सब समझ गया हूँ हाथी भाई। चाचा जी आप पोपट लाल को ही समझाइए, उसको समझाने की बहुत जरूरत है, वो समझ नहीं रहा है। तो मुझे क्या समझा, चाचा जी समझाना है तो भाई इनको समझाओ यार भाई को। कब से चलो पहले समझाना क्या है, वो तो मुझे समझो। बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ। भिड़े भाई, कुकर का ढक्कन ज्यादा देर बंद रखोगे तो सीटी भी ज्यादा ही बजेगी, उससे अच्छा है कुकर का ढक्कन खोल दो। ढक्कन? वो कुकर ढक्कन, वो ढक्कनों को तो समझ ही नहीं आया मेरे को। घर कभी किधर है? हाँ भाई भाभी, कुकर यहाँ बीच में कहाँ से आया? मैं समझाती हूँ। देखिए हमारे गोपालधाम सासू जी का कंपाउंड एक कुकर है और उसमें बच्चे पानी की तरह उबल रहे हैं, मतलब बच्चे खुश है क्योंकि अभी उनकी एग्जाम खत्म हुई है। अब आप कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, कॉम्पाउंड में बच्चों को खेलना बंद करवा देंगे तो गुप्ता रूप की सिटी बचती ही रहेगी। सही बात। दया भाभी प्लीज प्लीज, कुकर को गैस से उतार दीजिए और इसको गैस पर चढ़ा दो। अय्यर भाई ये कब से आप घुसपुस कर रहे हैं ना, सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अब ये पोपटलाल रुकने वाला नहीं है, मेरी आवाज बुलंद होती जाएगी, क्रांति होकर रहेगी। अगर मेरे कंडिल का फैसला नहीं हुआ ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी शांत शांत।
पोपट भाऊजी नहीं, उसको टार्जन भाऊजी बोलो, टार्जन भाऊजी। नाम पोपट है, बर्ताव टार्जन जैसा कर रहा है आज। क्या टार्जन, क्या टार्जन, कितना सुंदर नाम रखा माँ बाप ने, टार्जन टार्जन शुरू कर दिया, पत्रकार पोपटलाल नाम है मेरा। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो पोपटलाल, यहाँ पे बात क्या हो रही है, तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पे, टार्जन को कैसे कर ही रहे, तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना। माता जी, पोपटलाल सोसाइटी युद्ध का मैदान बन गया, टप्पू के पापा को अर्जेंट बुलाना पड़ेगा। माता जी रक्षा करना माँ। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए। क्यों क्या हुआ? अरे किक्रेट की रामायण से महाभारत हो गया है, पोपटलाल सोसाइटी लंका बनकर जलने लगे, उसके पहले आप पंची बनकर फटाक से आ जाइए। अरे क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया दया। मेरी माँ हमेशा कहती है समझदार पति वही है जो पत्नी की बात को इशारे में समझ जाए। अरे भाई तू फोन पे इशारा करेगी तो कैसे समझूंगा मैं, इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, सब समझ में आ जाएगा। हे भगवान क्या मुसीबत है, आता हूँ। हाँ, हाँ। शिव जी घर जा रहे हैं? हाँ। क्यों क्या हुआ? अरे पता नहीं दया का फोन था, बोल रही थी सोसाइटी लंका बनकर जलने लगा, उसके पहले जल्दी आ जाइए। सेठ जी अगर सोसाइटी में आग लगी है तो आप फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मेहता साहब को फोन करता हूँ। मेहता साहब? सेठ जी की फायर ब्रिगेड मेहता साहब है ना। क्या मालूम, रोज रोज वही एक्सक्यूज कि वाइफ डिनर के लिए वेट कर रही है, उसके लिए मैं मीटिंग कैंसिल कर दो, काम में ध्यान दो भाई। एक्सक्यूज मी, आप बोलो जेठालाल क्या किया आप टप्पू ने? देखिए ना मेहता साहब, बच्चों का वैकेशन शुरू हुआ नहीं कि पंगे शुरू हो गए, अभी जवाब मुझे देना पड़ेंगे। प्लीज जरा अभी कभी आप जरा सोसाइटी में आ जाइए ना, मैं अभी दुकान से निकल ही रहा हूँ। अरे पर जेठालाल अभी, चलो मैं आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं भाई, आपको आना ही है, जल्दी आइए पहुँचिए। ओके ओके भाई आ रहा हूँ, भाई आ रहा हूँ। लड्डू काका आता हूँ मैं। सेठ जी लेकिन घर से जल्दी वापस आना। हाँ क्यों? क्यों क्या सेठ जी, थोड़ी देर में बहुत बड़ी पार्टी मिलने आने वाली है। अरे हाँ ठीक है, मैं यूं गया यूं आया। ऑल द बेस्ट सेठ जी, जंग जीत कर आना। अरे भाई मैं कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूँ, जंग जीत के आना। सेठ जी अपनी आँख संभालना। क्यों? कई बार ऐसी बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ पड़ते हैं, ऐसी एक लड़ाई में मेरे मामा काने हो गए थे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपनी आँख संभालना। ठीक है मैं अपनी आँख संभालता हूँ, तुम लोग दुकान संभालना। ठीक है नटू काका, सेठ जी हर बार क्यों कहते हैं दुकान संभालना? हाँ, it goes without saying. पोपटलाल ऐसे कंदिल मार्केट में बहुत मिलते हैं, और तुमको कंदिल का नहीं मैरिज ब्यूरो का जरूरत है। और पोपट भाई गलती से बच्चों से खेलते खेलते कुछ टूट फूट गया, तो इसमें इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है। अंजलि भाभी आप मुझे एक चीज बताइए, गलती से कोई किसी की जान ले ले तो चलेगा? अरे अरे किसी की जान थोड़ी ना ली है, अरे इसको अक्कल बक्कल है कि नहीं कुछ भी बोल रहा है। अरे डिब्बे तू ऐसा स्वभाव रखेगा ना तो तेरी शादी जिंदगी में कभी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी। क्या चाचा जी आपने क्या बोल दिया, इतना बड़ा श्राप? पोपट भाई देखिए बापूजी ने आपको श्राप नहीं दिया है, बापूजी के कहने का मतलब है आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत होइए, और आपकी शादी होगी, जरूर होगी, बहुत सारी लड़की से होगी। सॉरी मतलब बहुत सारी लड़की से होगी। अच्छा अच्छा थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा इधर क्यों रोक दी? आगे ट्रैफिक जाम है। सोसाइटी में ट्रैफिक जाम, क्या हो गया इधर? ये चलो भाई। वो भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों है?
अरे भाई यहाँ पे मस्त झगड़ा चल रहा है, आप भी देखो। ये सब लोग इधर झगड़ा देखने के लिए खड़े? हाँ हाँ, आज केबल बंद है ना। अरे ओ भाई साहब, अपनी रिक्शा निकालो ना, इधर से सब जाम हो गया ट्रैफिक। भाई ये मेरी रिक्शा नहीं है, मेरी तो नाके पे खड़ी है, मैं तो झगड़ा देखने आया हूँ। कमल ऐसा क्या है? एक मिनट बहन जी, एक क्या हुआ टप्पू? नमस्ते बबीता जी। गुड मॉर्निंग टप्पू, क्या किया तूने इस बार? तूने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जेठा भाई शांत हो जाइए, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चों से सिर्फ पोपट भाई का कंडल टूट गया बस। कंडल नहीं, मेरा दिल टूट गया। चाचा जी ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। बापूजी आप भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे? अरे मेरी उम्र क्या क्रिकेट खेलने जैसी है? अरे भाई तो बापूजी का नाम क्यों ले रहे हो? मजा आता है बापूजी का नाम लेने में? जेठालाल मैंने ऐसे ही नाम नहीं लिया चाचा जी का। चाचा जी ने मुझे आज बहुत बड़ा श्राप दे दिया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, ये श्राप दिया कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। ए भाई ए डिब्बे, चल अभी रोना बंद कर। मैं कोई ऋषि मुनि थोड़ी हूँ कि जो बोलूंगा वो हो ही जाएगा। सही बात है। ठीक है तो फिर कंडल की बात करो। टप्पू ने कंडल तो तोड़ा ही है ना? फिर शुरू हो गया। अच्छा सॉरी भाई, ठीक है कंदिल का जो भी पैसा मैं देने को तैयार हूँ। कितने का कंदिल भाई तुम्हारे? जेठालाल वो कंदिल अमूल्य था, अमूल्य। ले बोलो, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है उसके बारे में तुम इतना रो रहे हो? जेठालाल अमूल्य मतलब अनमोल। ये कंदिल मुझे बहुत बड़े ज्ञानी महाराज ने दिया और कहा था कि इस कंदिल को घर में लगाते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। और जैसे मैं कंदिल लगा रहा था मुझे रिश्ते के लिए एक फोन भी आया। बस ठीक उसी वक्त टप्पू ने बॉल मारकर कंदिल तोड़ दिया और रिश्ता भी टूट गया। और फिर टप्पू ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल डायरेक्ट मेरे किचन में आ गया। मैं चाय पी रहा था, चाय गिरा दी, उसके बाद चाय का कप तोड़ दिया, उसके बाद हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। एक मिनट भिड़े, पहले मुझे यह समझना है कि ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि कैरम खेल रहे थे? मंजे? मंजे का क्या मंजे? एक की बॉल कैरम की कुकड़ी की तरह पोपटलाल की गैलरी में गया, फिर वहां से तुम्हारे घर के अंदर कांच का वो कप रखा भी तोड़ के फिर बाहर आया, और फिर हाथी भाई का बोर्ड भी तोड़ा, ये कैसे मुमकिन है? पापा मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली पोपट अंकल ने उनके बालकनी से बॉल डाला तो मैंने ऐसे बैट घुमाया तो बॉल भीड़े अंकल के घर पे गया, और फिर भीड़े अंकल ने अपने बालकनी से बॉल डाला कि वापस मैंने बैट घुमाया तो हाथी अंकल का बोर्ड टूट गया। तो इसमें तो मेरा टप्पू की गलती है ही नहीं। समझौते एक बैट्समैन शॉट कभी मारता है जब भी बॉलर बॉल फेंकता है। आता तुम ही टकले मुझे बॉल टकले तो बेचारा लान बाढ़ वो मेरे टप्पू का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम है तो फिर डालना ही नहीं था, डाला क्यों बॉल? अब ओ क्रिकेटर ओ, तुम क्या अंडरम ओवरम कर रहे हो भाई? हमारा उद्देश्य बॉलिंग करने का था ही नहीं, हमने गुस्से में बॉल फेंका था। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गुस्से से बॉल फेंकोगे तो अपने आत्मरक्षण के लिए बीच में बैट तो लाएगा ही ना? तो बैट बीच में आया तो शॉट लगेगा ही ना? तुमने बॉल फेंका क्यों? बॉल फेंकना ही नहीं था, गलती तुम्हारी है। मतलब फेंका फेंकी कर तो यार। एक मिनट, लेकिन मैंने तो बॉल तभी फेंका जब मेरा कंदिल टूट चुका था। फिर कंदिल? आ तो कंदिल टूटने से पहले किसने बॉल डाला? किसने डाला बॉल? वो शायद गोली ने। हाँ तो बराबर है, फिर मेरा टप्पू की गलती है ही नहीं है, गोली की गलती है। बच्चे हैं वो तो खेलेंगे ना। अरे किसकी गलती भाई, क्या हुआ? वेकेशन शुरू हुआ नहीं कि बच्चों को मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया? बात क्या है,
मेहता साहब मैंने कल बोला था ना वेकेशन शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाएगा, हंगामा शुरू हो गया है। क्या अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं साथ में सबका नुकसान कर रहे हैं। ये पोपटलाल का कंदील तोड़ दिया, मेरे घर पे कप तोड़ दिया, हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। एक आई नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि कंपाउंड में बच्चे खेलेंगे नहीं। अरे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो क्या रसोई घर में खेलेंगे? भिड़े भाई आपको गोली को कंपाउंड में कंपलसरी खेलने देना पड़ेगा ही, वरना उसका वजन बढ़ जाएगा। सही बात है। मतलब गोली घर पर रहता है तो उसका सिर्फ खाने में ही ध्यान रहता है ना, इसलिए बराबर है। कोमल भाभी हम लोग वस्तु का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खेलते वक्त किसी को लग गया, किसी के सर में चोट आ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस यहाँ पे नहीं खेलेंगे क्रिकेट बस। अरे भाई सोसाइटी में मैं डॉक्टर हूँ ना। अरे भाई किसी का सर फूटा तो नहीं आना? ओहो मतलब हम सर फूटे का इंतजार करेंगे जेठालाल, उसके बाद बच्चों को बोलेंगे? देखा ही नहीं, सो बात की एक बात, बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे मतलब नहीं खेलेंगे। देखो देखो भाई भिड़े तुम सोसाइटी का मालिक नहीं हो, सेक्रेटरी हो, वो भी हम सबने मिलकर तुमको बनाया है। बात मालिक होने के लिए जेठालाल, मैंने सबके भले के लिए निर्णय लिया है। अरे बच्चे ये नहीं, बच्चा तो तू है। बापूजी आप शांत हो जाए, छोड़िए छोड़िए मुझे, मैं बात करता हूँ। छोड़ मुझे। नहीं बापूजी आप शांत हो जाए, मैं बात करता हूँ, मैं हूँ ना। मैं शांति हूँ, मुझे बाथरूम लगी है। संभल संभल। लगा हरता है क्या ऐसे अंग और धावने तक? समझ गई। घर की चाबी कुछ है भाई, ये तो फाइनल है कि यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। तुम शिक्षक हो भाई, पोपटलाल तुम एक पत्रकार हो और अय्यर तुम एक साइंटिस्ट, इतनी छोटी सी बात के लिए हम सोसाइटी में खड़े होकर इस तरह से झगड़ा करेंगे? क्या क्रिकेट बच्चों को खेलना है या नहीं खेलना है इसके लिए ये फैसला सोसाइटी में खड़े होकर लड़ झगड़ के करना है क्या? ये फैसला हम सोसाइटी मीटिंग में नहीं कर सकते क्या? अरे मेहता साहब मेरे हिसाब से मीटिंग बुलाने की जरूरत ही क्या है? जेठालाल देखो अब तुम भिड़े की तरह बात कर रहे हो। नहीं मीटिंग बुलाने की बिल्कुल जरूरत है, मान लीजिए सोसाइटी का हमें कोई फैसला करना है तो फैसला मिलजुल के होना चाहिए, इसलिए आज शाम को मीटिंग बुला लेते हैं, उसमें फैसला कर लेंगे कि बच्चों को क्रिकेट खेलने देना चाहिए या नहीं। यह बराबर है। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं मैं लोकतंत्र में मानता हूँ तो मैं तैयार हूँ मीटिंग के लिए। मेहता साहब आपकी बात बराबर, हम लोग मीटिंग में तय करेंगे कि सोसाइटी में बच्चे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन तब तक सोसाइटी कंपाउंड में कोई भी नहीं खेलेगा। ठीक है वैलिड पॉइंट। बच्चों जब तक सोसाइटी का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आप लोग यहाँ कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक ओके मेहता अंकल। चलो भाई फैसला अभी शाम को करेंगे, अभी काम पे निकलते हैं। बहुत हो गया माधवी, बहुत हो गया, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। देखिए आप शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने बोला ना मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। मेरी भी बात नहीं सुनोगे? नहीं। आप मुझे धोखा दे रहे हो है? हाँ तो शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हर बात सुनेंगे, किया था कि नहीं? तो तुम भी मुझे धोखा दे रही हो? हाँ उसी अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कुछ करूंगा उसे तुम मेरा साथ दोगी। हाँ तो मैं साथ दे ही रही हूँ, लेकिन आप कुछ गलत करोगे तो आपको रोकना मेरा फर्ज है, नहीं का? मैं गलत? आत्माराम तुकाराम भिड़े सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी गलत? ठीक एक एक मिनट अभी बताता हूँ। इसमें टप्पू सरे ने आज तक सोसाइटी में जो जो नुकसान किया है ना उसका पूरा हिसाब लिखा हुआ है, बताता हूँ तुम्हें। ये देखो आज तक टप्पू सरे ने सोसाइटी में 38 कांच तोड़े हैं, 12 गमले तोड़े हैं और 14 लोगों के सर फोड़े, जिसमें से 7 लोग तो सोसाइटी के बाहर वाले थे। बगू भाई आप ये सब हिसाब रखते हैं? रखना पड़ता है माधवी, रखना पड़ता है। अभी तो इसमें वो हाथी भाई का बोर्ड और पोपटलाल के कंधे का लिखना बाकी है। वैसे तो आपके भी बहुत किस्से हैं।
तो आपने भी घर में कितनी तोड़फोड़ की है? कभी चाय का कप तोड़ा है, कभी चश्मा तोड़ा है, कभी कुर्सी तोड़ी है, कभी कांच का ग्लास तोड़ा है, तो कभी अचार की बर्तन। वो मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है। टेक्स वंटे मी। तू सेना भी जानबूझ कर तोड़फोड़ नहीं करती हो कि नहीं? कसा समझाऊ मी? मुझे एक बात बताओ, घर में अगर लीकेज हो और उसको रिपेयर ना करे तो क्या हो सकता है? छत गिर सकती है, दीवार टूट सकती है, बरोबर कि नहीं? वैसे ही सोसाइटी में लीकेज होना शुरू हो गया है। ये टप्पू सेना लीकेज कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है हर जगह। अगर उसको रिपेयर नहीं किया गया तो आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या क्या उदाहरण दे रहे हो आप? बच्चे हैं, बच्चे तोड़फोड़ करेंगे, मस्ती करेंगे। आपने बचपन में कभी मस्ती नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बचपन में मैं बहुत पढ़ाकू लड़का हुआ करता था। सब अपने बच्चों को मेरा एग्जांपल देते थे कि बनना है तो अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन या आत्माराम? आत्माराम हंस, लेकिन बचपन में लोग मुझे अर्जुन की उपमा देते थे। अर्जुन का कैसे एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख। वैसे मेरा भी एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। बरोबर है अर्जुन जी, पर सब बच्चे अर्जुन नहीं होते हैं ना। और मुझे एक बात बताइए कि बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? उसका फैसला आज मीटिंग में हो जाएगा, लेकिन तब तक क्रिकेट बंद मंजे बंद तोड़ बंद। भिड़े साहब का घर यही है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ भिड़े। आप? अर्जुन। कांच रिपेयर करने वाला? हाँ, मैंने ही बुलाया था आपको। मुझे एक बात बताइए, कांच रिप्लेस करने का अंदाज से कितना होगा? पर कांच 8,500 रुपया। कितना? 8,500 रुपया। सुना? हाँ, लगता है इनको भी प्रॉब्लम है। कांच का 8,500 रुपया। हाँ हाँ, समझ गए। हाँ हाँ, हमें सुनाई देता है। आपको कांच साथ में नहीं लेके आए? कांच नीचे टेम्पो में है, मैं यहाँ माप लेने को आया हूँ। कर लो, आइए मैं किचन दिखाता हूँ आपको। आइए, बहरा कर रहा है माला। पर कुछ भी बोला टप्पू, तूने शॉट मस्त मारा था। अगर तू ये शॉट वानखेड़े स्टेडियम में मारता ना, तो बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर जाती। बाय द वे सोनू, सॉरी यार, मुझसे तेरे बाबा का नया कुर्ता खराब हो गया। ओके डब्बू, तूने जानबूझ के थोड़ी किया था। हाँ फ्रेंड्स, गोला वाला, चलो सब गोला खाते। अंकल 10 गोले बनाना। गोली 10 क्यों? 6 गोला तो मैं खाऊंगा, तुम लोग एक एक भी नहीं खाओगे। अंकल मेरा कच्ची केरी, मेरा काला खट्टा, मेरा काला खट्टा प्लस लाल मिक्स, और मेरा ऑरेंज। मेरे सब 6 गोले अलग अलग फ्लेवर के, उसमें जो भी अच्छा लगेगा मैं दूसरी बार खाऊंगा। टप्पू कच्ची केरी। अंकल इसका भी कच्ची केरी। अरे ऐसे नहीं, पेड़ पे कच्ची केरी। हाँ, और स्पेशली नमक मिर्च लगा के। चलो फ्रेंड्स इसे तोड़ते हैं। हाँ। देखो बच्चों, कैरी तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? इसका जो मालिक है बहुत ही खतरनाक है। अब तक उसने 30-40 बच्चों को अलग अलग तरीके से सजा दी है, और फार्मा हाउस संभालने के लिए एक वॉचमैन भी रखा है। उसका नाम है संग्राम सिंह राठौर। वो देखो, संग्राम सिंह राठौर आ गया। गॉड टप्पू, रहने दे, हमें कच्ची कैरी नहीं तोड़नी। नहीं सोनू, एक बार तूने बोल दिया मतलब बोल दिया, अब टप्पू कैरी तोड़ कर रहेगा। फ्रेंड्स एक बात और याद रखो कि काम जितना मुश्किल हो उसे करने में और मजा आता है। लेकिन टप्पू पकड़े गए तो? अरे पकड़े गए तो कोई जान थोड़ी ना लेने वाला है। डोंट वरी, नहीं पकड़े जाएंगे। अब देखो, यहाँ से पत्थर मारूंगा और आम नीचे,
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मत फेंको यार, मेरी बात मानो। नहीं अंकल, कुछ नहीं होगा। वाह, इस बार तो बहुत से आम आए। मर गए। कौन है? किसने फेंका पत्थर? ओ नो 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 फ्रेंड्स, चलो चुप जाते हैं, चलो चलो। क्या हुआ सब? क्या हुआ? अरे बेवकूफ, क्या क्या हुआ? और देख, सामने से कोई पत्थर फेंक के आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चल। अरे वो अंकल तो यही आ रहे हैं। ये तो चुप ना यार, हम पकड़े जाएंगे टप्पू। तो क्यों डर रहा है? चुप ही है यार। कौन है? कहाँ है? वहाँ जाके देख, वहाँ जाके देख। वहाँ गए ये आम चोर। एक बार मेरे हाथ आ जाए ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर आम की तरफ देखेंगे नहीं। अब मैंने सब जगह देखा, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन पत्थर लगा था ना, इसका मतलब कोई पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरा एक भी आम चोरी हुआ ना, तो तेरा काम तमाम। जानता है ना, संग्राम का आम तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता है ना, तो ध्यान रख और चौकन ना रहे। मैं एक जरूरी काम करके आता हूं। फ्रेंड्स, आई थिंक हमें जाना चाहिए। नहीं सोनो, हम आम तो तोड़ कर रहेंगे। क्यों गोली? हाँ, लेकिन कैसे तोड़ेंगे टप्पू? वहाँ तो वॉचमैन बैठा है। अरे तो क्यों फिक्र कर रहा है? गोली, तू वॉचमैन अंकल को बातों में उलझा कर रख, और तब तक हम लोग अंदर जाकर आम तोड़ कर आ जाएंगे। और अगर संग्राम अंकल आ गए तो तू जोर जोर से चिल्लाना, मम्मी पापा, मम्मी पापा। तो हम समझ जाएंगे कि संग्राम अंकल आ गए और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है? ओके, जा जा, तू पहले जा, जा जा। छोटा बच्चा यहाँ पर रो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो, पूछोगे नहीं क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरा 100 रुपए का नोट यहाँ उड़कर आया है, ढूंढने में मदद कीजिए ना प्लीज। नहीं मिला तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे। अरे लेकिन कहाँ गिरा है? नहीं, कहीं उड़ के आया होगा। प्लीज अंकल, मेरे ढूंढने में मदद कीजिए ना प्लीज। यहाँ यहाँ अंकल आइए ना प्लीज। यही होगा। अंकल देखिए ना प्लीज। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ बेटा। फ्रेंड्स, मैं
काम करता हूँ, मैं ऊपर जाकर आम तोड़ता हूँ और तुम लोग कैच करो। चल चल चल। और हाँ, नजर रखना कोई आए नहीं, ठीक है? हाँ टप्पू जा, चल 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 चल। यहाँ तो कोई नोट नहीं दिख रही है। तो फिर आपको चश्मे के नंबर होंगे क्या? एक बच्चा मजाक भी नहीं कर सकता है। अंकल मेरी मदद कीजिए ना नोट ढूंढने में, प्लीज अंकल। चाहिए तो आधी नोट आपको दे दूंगा बस। मतलब 50 रुपए दे दूंगा। अरे भाई मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। कोई नोट नहीं दिख रही है। अंकल ढूंढ लेना प्लीज। हाँ हाँ बेटा ढूंढ रहा हूँ। देखो बेटा तुम्हारा नोट यहाँ पर नहीं आया है, उड़ के कहीं और गया होगा। एक काम करो तुम अपने घर जाओ, जाओ जल्दी। ऐसे कैसे घर पे चले जाओ अंकल, नोट भी नहीं मिली है। एक काम कीजिए आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। मैं कहाँ से 100 रुपया दूंगा? क्यों अंकल, मैं आपको 50 रुपए दे सकता हूँ तो उसमें आप दूसरे 50 रुपए डाल के मुझे 100 रुपए नहीं दे सकते। लेकिन तुमने मुझे दिए कहाँ? देने तो वाला था ना, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अंकल ढूंढ लिया ना प्लीज। अंकल प्लीज। हाँ ढूंढता हूँ ढूंढता हूँ। अरे बाप रे, संग्राम सिंह वापस आ रहा है। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। टप्पू, लगता है संग्राम अंकल आ गए, जल्दी नीचे आ, जल्दी, जल्दी जल्दी आ, टप्पू जल्दी आ, जल्दी आ। क्यों रो रहा है? साहब इसका 100 का नोट यहाँ घूम गया है। इसकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि इसने 100 का नोट कभी देखा भी है, फिर घूमेगा कहाँ से? नहीं सच्ची घूम गया है, अगर मुझे वो नोट नहीं मिला तो मेरे मम्मी डैडी मुझे बहुत मारेंगे। तो मार खा ले, मैं क्या करूँ? चल निकल यहाँ से, निकल। अंकल मेरी मदद कीजिए ना। मैं तेरा अंकल नहीं हूँ, मैं आपकी बहन का लड़का हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। मुंह बोली? ना मेरी मुंह बोली बहन है ना मेरी माँ बोली बहन है, समझा? चल निकल निकल। हाँ घर पे जाकर मार ही खा लेता हूँ। जा बाल बाल बचे यार टप्पू, चलो चलो फ्रेंड्स अब जाते हैं। अरे एक आखिरी काम तो बाकी है अंकल। आपने कहा था ना कि आपके बगीचे में से आम तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये देखो हमने कितने सारे आम तोड़ दिए। भाग गए सब। साहब दूसरी बार आएंगे तो इन्हें जरूर पकड़ लूंगा। दूसरी बार तू नहीं, मैं इन्हें पकड़ूंगा और ऐसा पकड़ूंगा कि फिर कभी छूट नहीं पाएंगे। इन्होंने संग्राम के आम तोड़कर बुरा नहीं बहुत बुरा किया। देर के लिए तो ऐसा टेंशन हो गया था कि हम पकड़े जाएंगे। फ्रेंड्स मुझसे पूछो, मैंने वो अंकल को इतना कंफ्यूज किया कि उनका फ्यूज ही उड़ गया। हाँ लेकिन आज केले तोड़ने का मजा ही आ गया। हाँ, हाँ। वो तो है। देखा सुनो, तूने टप्पू से कहा था ना कि तुझे कच्ची केरी खानी है, देखा कितनी सारी तोड़ के दी तुझे, अब जी भर के खाना। हाँ थैंक यू सो 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 मच। वेलकम। अरे अरे जल्दी कर चलो,
आज घर जाके मम्मी से कैरी की सब्जी बनाऊंगा और उसके साथ 10-12 पराठे खाऊंगा। क्या ना, मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छी डाइट तेरी। थैंक यू। वैसे टप्पू, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि हम तो कच्ची कैरी तोड़ के निकल ही गए थे, फिर उस अंकल को आवाज देके बताने की क्या जरूरत थी? सिंपल है, टप्पू सेना कभी चोरी नहीं करती, इसलिए मैंने सामने से बता दिया कि हमने कच्ची कैरी तोड़ी है। और वैसे भी पेड़ पौधे हवा पानी ये सब भगवान की देन है, भगवान ने जो दिया वो लिया, उसमें गलत क्या किया? वाह गोली, क्या बात कही है, इसी बात में मुंह खट्टा करते हैं। चलो चलो, ऐसे मत खाओ, घर जाके कैरी को धो के फिर नमक लगा के खाएंगे। तो फिर जल्दी चलो, मेरे मुंह में तो पानी के फुहारे निकल रहे हैं। रुक रुक रुक, हम लोग भी आ रहे यार, तो पानी पूरी खाना है देव अभी। भाई साहब, मेरे लिए एक प्लेट पीजेपी बनाना। पीजेपी? पीजेपी मतलब? मतलब स्पेशल जैन पानी पूरी। ओह माय गॉड, पीजेपी! वाह वाह, बनाओ भैया। हाँ ठीक है भैया, मेरे लिए भी एक सेव पूरी, थोड़ी झनझनी था। स्पाइसी? और हाँ भैया, मुझे डायट भेज देना। Yes. मतलब मसाला कम और काकड़ी और टमाटर ज्यादा। वो ऐसे? क्या बात है भैया, इन्होंने जो ऑर्डर किया है ना, वो सब मेरे लिए। अच्छा, और एक रगड़ा पेटिस मस्त चटपटा। तू जल्दी आओ भाई, जल्दी थोड़ा भैया, जरा फटाफट बनाइए प्लीज। हाँ अभी रहा नहीं जा रहा है। नहीं भैया जी, पहले हमारा बनाइए, हम यहाँ पर पहले से खड़े हैं। हाँ हाँ बनाता हूँ अभी। हाँ हाँ बहन जी, पहले आप ही का बनेगा, हम लाइन में घुसने वालों में से नहीं है। हाँ ये लीजिए। अरे अंजलि भाभी, ये क्या, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने क्या किया? अरे आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया, आपको कुछ खाना है कि नहीं? अंजलि भाभी, दया भाभी, मैं फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ, और दिल किया तो आप में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। वैसे सोसाइटी में आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। नहीं रियली? वैसे तो गोकुल धाम के भाईचारे की मिसाल देते लोग, और आज गोकुल धाम में ही मिसाइल छूट रही थी। सही में हमें हमारे पति देव को समझना चाहिए कि कहते हैं नंद लाला झगड़े का मुंह काला। वैसे आज बच्चे नहीं खेल रहे तो कंपाउंड काफी शांत सा लग रहा है ना? बबीता जी, इसे शांत नहीं सुना कहते हैं, बच्चे जब मस्ती करते हैं तो कंपाउंड में जान आ जाती है। ट्रू हाँ। अरे क्या खाक जान आ जाती है, ये बच्चे तो जान ले लेते हैं। मैं तो कहती हूँ वेकेशंस होने ही नहीं चाहिए, पूरा दिन इनकी कचकच कचकच कचकच। अरे ये काय वचवच करती है? अरे एक माँ हो के ऐसे कैसे कह सकती है? इससे मैं बात करती हूँ। हाँ ये लीजिए। कोमल भाभी आप शुरू कीजिए। बेन, आपने अभी जो बच्चों के बारे में बोला वो आपकी राय थी, लेकिन मेरी राय ये है कि ये बात योग्य नहीं। बच्चों की कचकच नहीं होती, बच्चों की वजह से सोसाइटी में चमक होती है, और बच्चे जो करते हैं ना उसे शरारत नहीं लीला कहते हैं। यूं तो इंसान की उम्र बढ़ती ही रहती है, लेकिन जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं ना, तब आपकी उम्र बढ़ती नहीं कम हो जाती है, मतलब आप भी बच्चे हो जाते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना, तब आपका सारा दुख दर्द थकान भूल जाते हैं। बच्चे इतने भोले होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं कि उनके मन में जात पात किसी का भेदभाव नहीं होता, और किसी के लिए दुश्मनावट नहीं होती। देन जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता, तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? वाह, क्या बात है, क्या बात है।
चलो शुरू हो जाते हैं इसी बात पर। वाओ। वैसे दया भाभी मुझे तारक को कहना पड़ेगा कि आपको पूछ के लिखे। और मैं भी इनको बताने वाली हूँ कि बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में ही खेलने दो, भले ही चाहे कुछ टूटे फूटे। हाँ माधवी भाभी। अरे ये तो रोने लगे। अरे बिन, मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं नहीं, बल्कि आप ठीक ही कहती है, आपने मेरी आंखें खोल दी। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। कितना हुआ भैया जी? ये लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। भैया इसमें कच्ची केरी मिलाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। माफ करिए भाभी जी, आपको कच्ची केरी चाहिए, 2 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। 2 रुपए एक्स्ट्रा? हाँ बरोबर है, ये केरी की महंगाई की वजह से मुझे अचार का भाव भी बढ़ाना पड़ रहा है। कितनी महंगाई। यू नो हंस बता रहे थे ऑपरेशन से पहले अगर पेशेंट को बेहोश करना हो तो उसको सिर्फ कच्ची केरी के दाम बता दो। दया भाभी, अभी आपने उस औरत के सामने बच्चों की इतनी तारीफ की और अभी आपने बच्चों का मूड ऑफ कर दिया। थोड़ा खेलने देते ना बच्चों को। नहीं कोमल भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है बच्चे तो पतंग जैसे होते हैं, कब उन्हें खींचना है कब उन्हें ढील देनी है वो सब माँ बाप को पता होना चाहिए, तभी बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं। एकदम सही बात। और वैसे भी बेड़े भाई जो कोई भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे, आफ्टर ऑल वो अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी है। अंजलि भाभी सेक्रेटरी? एक को मैं वो सेक्रेटरी। ओहो क्या बात है करी, वाह 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 वाह, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। कैरी ओ कैरी, तू है फलों की रानी, लेकिन तेरा दाम सुन के आ जाए आंखों में पानी। तू कभी मुरब्बा बन जाए तो कभी अचार बन जाए, तू जब भी थाली में आए लाइफ बन जाए। हापुस राजापुरी लंगड़ा बादाम, तेरे कितने सारे नाम, लेकिन सब तुझे बुलाते हैं आम। ए आम, तेरा स्वाद है लाजवाब, तू है हर किसी का ख्वाब। वाह जनाब वाह। वाह बाबा, आपने तो कैरी पे कविता बना दी। मैं कैसे है तेरे बाबा? वो कैरी को देखकर कितना खुश हो रहे देखो।
बारिश आने पर मेंढक खुश होते हैं ना, अगदी वैसे। मेंढक? और कोई एग्जांपल नहीं मिला देने के लिए? ए, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग घास लेके आते हैं और कैरी को घास में रखते हैं। कैरी पक के आम हो जाएगी तो खट्टे के साथ साथ मीठे का भी स्वाद मिलेगा। हा? नहीं बाबा, ये कैरी सिर्फ मैं ही खाऊंगी क्योंकि इसे मैं लाई हूँ। तुम लाई हो मतलब? ये कैरी टप्पू ने पेड़ से तोड़ी है खास मेरे लिए। अरे हे करी सांगनार, अरे ऐसे पेड़ पे चढ़ के आम नहीं तोड़ते, कभी कुछ लगवा गया तो। सुनो ये तुमने ठीक नहीं किया, चलो अभी जाओ पढ़ाई करो, जाओ। पढ़ाई ढाई महीना नो पढ़ाई, वेकेशंस मस्ती। अरे ए, 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 ए। लेकिन सोनू ऐसे बिना परमिशन के आम नहीं तोड़ने चाहिए। ओ परमिशन वाले, आप उनको सोसाइटी में खेलने की परमिशन नहीं दोगे तो वो तो बाहर ही जाएंगे ना। मैं तो कहती हूँ उनको कंपाउंड में ही खेलने दो, भले कुछ टूटे फूटे। लेकिन माधवी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, पता है दया भाभी ने आज कितना मस्त बोला। बच्चे जो करते हैं ना उसे शरारत नहीं लीला कहते हैं, और बच्चे जब हंसते हैं ना तब आप आपका सारा दुख डर थकान भूल जाते हैं। जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? कैलो जरा सोचिए, लोग आपको खड़ूस एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसा कह के बुलाएंगे तो कैसा लगेगा? बोलने दो खड़ूस, माधवी मैं कड़वा लगता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। जैसे सिर्फ मीठा खाने से शरीर बीमार होता है ना, वैसे सिर्फ मीठा बोलने से सोसाइटी बीमार हो जाती है, इसलिए कभी कभी कड़ी और तीखी बातें करनी पड़ती है। चलो शुरू। काय 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 काय? नहीं कहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज रात को खाने में करेले की सब्जी बनाऊं। करेला कशाला? अरे आपने अभी भी कहा ना कि मीठे के साथ कभी कड़वा तीखा जरूरी है, तो दोपहर को तीखा हो गया, अभी कड़वे की बारी। नहीं नहीं माधवी, खाने का कैसा है ना, खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि खाते ही रहे, यू नो, एकदम टेस्टी। हा 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 दया, क्या दाल बनाई है तूने, जे करता है बस पीता ही रहूं पीता ही रहूं पीता ही रहूं। वो तो आज दाल में कच्ची केरी डाली है ना, इसलिए दाल इतनी स्वादिष्ट बनी है। कच्ची केरी डाली है दाल में? पापा जी को याद आ रहा है मेरी पापी दाल में कच्ची केरी डालती थी ना। हाँ, और फिर तू इतनी दाल पी जाता था कि रात को तुझे चूरन खिलाना पड़ता था। अरे माँ दाल बनाती ही ऐसी थी। पर कच्ची करी तो मुझे बचपन से पसंद थी। कच्ची करी से कितनी सारी चीजें बनती है, मुरब्बा शरबत अचार, और उसकी वो गुठली में से वो जो मुखवास बनता है, मजा आ जाता है। टप्पू गोगी तुम लोगों को पता है मुझे कच्ची करी इतनी पसंद है कि बचपन में गांव में मैं पेड़ पर चढ़ जाता था और कच्ची केरियां तोड़ लाता था। और एक बार तो बाप रे बाप, कच्ची केरी के पेड़ पर चढ़ गया और कितने टाइम तक ऊपर ही बैठा रहा। क्यों, आम के पकने का वेट करते थे? बेटा तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मुझे कच्ची केरी बहुत पसंद थी, तो फिर आम के पकने का इंतजार क्यों करता? अरे गोगीड़ा, ये मेरी डांट के डर से पेड़ पे बैठा रहता था, पूरे गांव के नाक में दम कर रखा था इसने। आम के मौसम में सब इसे जेठिया डाकू कहकर बुलाते थे, पेड़ पे केरी दिखी नहीं कि केरी गायब। एक बार तो ये नारियल के पेड़ पे चढ़ गया था। केरी तोड़ने नारियल के पेड़ पे चढ़े थे? नहीं बेटा, केरी तोड़ने नहीं, केरी तोड़ के नारियल के पेड़ पे चढ़ा था मेरे डर से। पापा अगर मुझे पता होता कि आपको कच्ची केरी इतनी पसंद है तो मैं पेड़ से थोड़ी और केरियां तोड़ कर लेके आता, है ना? टप्पू बेटा, ऐसे पेड़ पे केरी तोड़ने के लिए नहीं चढ़ने का बेटा। क्या पापा, बचपन में आप केरी तोड़ने पेड़ पर चढ़े वो ठीक है, और हम तोड़े तो गलत, ये कहाँ का न्याय है पापा? अरे बेटा गांव की बात और है, गांव वाले दिल वाले होते हैं, थोड़ा सा डांट के फिर जाने देते हैं, लेकिन शहर वाले दिल जले होते हैं, बहुत सारा डांटने के बाद भी छोड़ते नहीं है। तू गोगी को भी साथ में लेके गया था? हाँ कल, बहुत मजा आया था। अरे टप्पू ऐसा नहीं करने का बेटा, गोगी को कुछ हो जाता तो सोठी अंकल रोशन आंटी को क्या जवाब देते हम? हा? दूसरी बार गोगी को साथ में मत लेके जाना बेटा, और तुम भी मत जाना। ओए अंकल, मैं शेर पुत्र हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। ओ शाबाश बेटा, मैं भी जब छोटी थी ना तब शेर पुत्री थी, और मैं भी पेड़ पर खिसकोली की तरह फटाक से चढ़ जाती थी। खिसकोली? आंटी खिसकोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
बोलो अभी किसको लिखो अंग्रेजी में क्या बोलते बोलो उनको मुझे आता है तो बता बेटा किसको लिखो अंग्रेजी में कहते हैं किसको होली वाह खिसकोली का खिसकोली कर दिया तो अंग्रेजी हो गया तो मजाक कर रही थी आपको पता है तो आप बताइए ना अंकल बताइए ना खिसकोली को अंग्रेजी में दो खिसकोली बोलते बेटा अच्छा ये खिसकोली तो समझ में आया लेकिन धो का मतलब क्या ये अंग्रेजी का ध तो जैसे गुजराती के ढ को समझ में नहीं आएगा समझे तो भाई मुझे समझा मैं कच्ची हूँ गोगी खिसकोली को इंग्लिश में स्क्विरल कहते हैं ले सुना खिसके ले हाँ बाबू जी मैं भी यही करना चाहती थी स्क्विरल चल पानी पी ले गले में खिसकोली अटक गई है ओए डप्पू मैं सोचता था कि मेरे ही पापा चैंपियन है हंसाने में पर तेरे पापा कुछ कम नहीं है ओए डप्पू तेरे घर पे रहने में बहुत मजा आ रहा है हाँ बेटा इसे तू तेरा ही घर समझ अरे भाई कहाँ हो जेठालाल अरे मता साहब आइए आइए खाना खाने बैठ जाइए आइए 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 क्या जेठालाल तुम अब तक खाना खा रहे हो वहाँ सोसाइटी की पूरी मंडली मेरे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है भाई अरे हाँ सॉरी सॉरी मैं तो भूल गया आज सोसाइटी की मीटिंग आपके घर पे बुलाई है ना सॉरी सॉरी हाँ तो चलो भाई जल्दी चलो चलो मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ सबकी बोलती बंद कर दूंगा अगर बच्चों का खेलना बंद हुआ ना तो कल से सोसाइटी कंपाउंड में मैं खेलना शुरू कर दूंगा देखता हूँ कौन रोकता है नहीं नहीं बाबू जी आप शांति रखिए हाँ चाचा जी हम लोग संभाल लेंगे समझा देंगे उन्हें चलो भाई चलो एक दो मिनट जरा एक दो वाटी दाल पी लो फिर चलते तू जाता है कि मैं जाऊँ नहीं नहीं मैं जाता हूँ चलो भाई चलो जेठालाल लेट चलो बाय सब इंतजार कर रहे हैं भाई सॉरी सॉरी वो एक्चुअली दिमाग से निकल गया मेरे कमाल है मेहता साहब भी जेठालाल को लाने के लिए गए अभी तक आया ही नहीं आत्मराम जेठालाल का कोई भरोसा नहीं वो मेहता साहब को लेकर सोडा पीने चला गया होगा तो फिर हम क्यों यहाँ बैठे हैं हम भी सोडा पीने चलते हैं तो चलो चलो चलते हैं चलो उधर अरे आप लोग अभी तक खड़े ही हो सजा दिया किसी ने खड़े होने की बैठते क्यों नहीं अरे हम लोग कब से बैठे ही तो थे यहाँ पे तो फिर खड़े क्यों हो गए अरे अय्यर भाई ने बोला कि जेठालाल का कोई भरोसा नहीं मेहता साहब को घसीट के सोडा पीने ले गया होगा मैंने कब बोला लेकिन जेठालाल का भरोसा नहीं ऐसा तो बोला ना यार जेठालाल मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर सोडा पीने चलना है तो चलते हैं यहाँ बातें करके टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं चलो 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 अरे क्या चलो चलो अरे तो सोडे से विषय सोडा हम लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं ना तो मीटिंग शुरू करते हैं चलो अरे एक मिनट भाई मीटिंग में यही तय करना है ना कि बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेल सकते कि नहीं खेल सकते हाँ बस तो फिर तय बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं हाँ चलो मीटिंग खत्म चलो सोडा पीने जाते वाह 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 इन्होंने तो फैसला ही सुना दिया मतलब अभी मीटिंग की जरूरत ही नहीं है हाँ अच्छा है चलो चलो मतलब बच्चे सोसाइटी में खेलेंगे और लोगों के सर फूटेंगे अरे भाई तो नकारात्मक बात क्यों करता है हमेशा लोगों के सर क्यों फूटेंगे जेठालाल मैं समझ जाता हूँ बच्चों के चालू स्कूल में क्रिकेट खेलना और वैकेशन में क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क है जब स्कूल चालू होता है तो उनके बैकअप माइंड में पढ़ाई का बहुत टेंशन होता है तब बच्चे प्लेट प्लेट क्रिकेट खेलते और शॉट भी ग्राउंड शॉट मारते लेकिन वैकेशन में वो अलग टेंशन फ्री हो जाते इसलिए अंधाधुन शॉट मारते हैं इधर उधर इधर उधर ये शॉट वो शॉट ये शॉट वो शॉट किसी की खिड़की का कांच फोड़ देंगे तो किसी का सर फोड़ देंगे इसके लिए जवाबदार कौन है जवाबदार क्यों पपड़लाल बराबर है ना बराबर नहीं है गलत है अरे भोपट भाई ने तो अय्यर भाई का भोपट कर दिया एक मिनट डॉक्टर आदि पपड़लाल
आज सुबह जब तुम्हारा कंदील फूटकर नीचे गिरा था तब तो तुम बहुत जोर जोर से सोसाइटी में चिल्ला रहे थे कि बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल कैंसल कैंसल। अभी क्या हो गया? अभी मेरी महाराज से बात हो गई। उन्होंने कहा है कि उनके पास सेम टू सेम दूसरा कंदील है। महाराज का कंदील वाला है, इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो बच्चे सोसाइटी में क्रिकेट खेले, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाह! और अगर शॉट मारकर तुम्हारे चश्मे का कांच फोड़ देंगे तो? यार भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ डाल के वेस्ट मत करो भाई। सही बात है डॉक्टर राजी। क्या सही बात है? यह पोपड़ लाल का दिमाग सही नहीं है, ये हमेशा रिवॉल्विंग चेयर जैसा इधर उधर घूमते रहता है। अय्यर भाई, शांति से बात करो, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। सही बात है, कंदील पेटला है। अरे घर है भाई, थोड़ा धीरे। अरे पत्रकार हूँ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई, समाज में क्राइम कितना बढ़ गया है। बच्चे सोसाइटी में खेले, उसी में उनकी भलाई है, सेफ्टी है। सही बात है, बराबर है, पोपटलाल की बात एकदम बराबर है। अभी बच्चों को मना कर दिया सोसाइटी में खेलने से, तो आज गए ना वो कच्ची कैरी तोड़ने के लिए। वैसे रोज कहीं ना कहीं वो लोग जाते रहे, और किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? बोल भिड़े। सही बात है। नहीं नहीं, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में ये जाहिर करता हूँ कि बच्चे पूरा वेकेशन सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं, लेकिन दोपहर को 1 से 4 3 घंटे वो कंपाउंड में नहीं खेल सकते। क्यों भाई, 1 से 4 के बीच में क्यों नहीं खेल सकते? नहीं नहीं, देखो जेठालाल, ये जो भिड़े का 1 से 4 वाला पॉइंट है सही है। वो क्या है कि 1 से 4 लेडीज का सोसाइटी के अंदर रेस्ट करने का टाइम होता है, सारा काम निपटा के वो उस वक्त आराम करती हैं, और ऐसे में बच्चे खेलेंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा, और 1 से 4 धूप कितनी तेज होती है, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 से 4 के अलावा खेल लेंगे, क्यों भिड़े? करेक्ट, ठीक है। तो मतलब 1 से 4 को छोड़ के बाकी का टाइम तो बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं। सबको मंजूर है? मंजूर। बराबर, तो मीटिंग खत्म। हाँ मीटिंग खत्म, चलो सोडा पी के आते हैं। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट जेठा भाई, आज सोडा का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि आप सबके लिए मैंने स्पेशली कच्ची केरी की आइसक्रीम बनाई है। वाह, कच्ची केरी की आइसक्रीम, वाह क्या बात है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, अय्यर भाई वाला कप है ना, वो भी मुझे दे देना, क्योंकि अय्यर भाई को कच्ची केरी की आइसक्रीम पसंद नहीं है। सही बात है। क्या सही बात है डॉक्टर आदि, आपको किसी ने बोला कि मेरे को कच्ची केरी का आइसक्रीम पसंद नहीं है? मेरे को पसंद है। एक ही एट ए टाइम, एक ही आती भाई। जेठा भाई, आपको पसंद आए तो मुझे कहना, मैं दूसरी बार दूंगी आपको, ठीक है? मुझे भी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। और एक कप मेरे लिए भी अंजलि। हाँ, आई एम सो सॉरी तारक, आपको एक ही बार। हाँ, अगर आपको चाहिए तो फ्रेश करेले का आइसक्रीम बना के दे सकती हूँ। चलो, ये एक मुसीबत खत्म हुई, अभी घर जाके दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी मुसीबत कौन सी जेठालाल? अरे मेहता साहब, टप्पू और गोगी, ये वेकेशन है तो रात को सोते ही नहीं है, गेम खेलते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। टप्पू, आज तेरी गड्डी को पीछे छोड़ दूंगा मैं। गोगी, मुझसे आगे निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ओए देख टप्पू, पापा 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 संभाल के, पापा पापा संभाल के, पापा क्या कर रहे हैं? साइड 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 साइड। अरे पापा क्या, अरे उधर चला ना भाई, इधर मेरे ऊपर क्या ला रहा है? पापा पापा संभाल के, एक्सीडेंट हो जाएगा पापा। साइड साइड पापा, एक पैर ऊपर ले लीजिए, जल्दी जल्दी। अंकल, दूसरा पैर भी ऊपर ले लीजिए। क्या दूसरा पैर? मैं क्या पंछी हूँ जो दोनों पैर ऊपर करके उड़ने लगूं? सॉरी। अरे बंद, अरे दया दया। आई आई आई, बोलिए क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, ये बच्चे लोग कितना शोर कर रहे, जरा बंद करो इनको। अरे बच्चों की आवाज को शोर नहीं, कलरव कहते हैं। कितना मीठा मधुर है कलरव। अरे इनके कलरव की वजह से मुझे कल तक नींद नहीं आएगी, उसका क्या।
बस इतनी सी बात, आपको आज ही अभी ही मीठी नींद आ जाए, ऐसी तरकीब है मेरे पास। अब तो चलो बच्चों सो जाओ। हाँ चलो सो जाओ। मम्मी आप लोग सो जाओ, थोड़ी देर खेलकर हम लोग भी सो जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है बेटा। बेटा पर जल्दी सो जाना हो बेटा। हाँ हाँ हाँ। आइए अभी आप अंदर आइए। संभलिए जरा। नहीं संभला जाता। बच्चे सो जाना हो बेटे जल्दी। हाँ ओके आंटी। अरे गोगी क्या कर रहा है? आइए अंदर आइए मेरे सहनसा। सहनसा? आइए। क्या नई तरकीब लाई है मेरी तरकीबे सुल्ताना? बताती हूँ, पहले अंदर तो आइए मेरे दिल सुल्तान। नाचीज कमीज का सलाम कबूल कीजिए। कबूल है जे नसीब। मेरी मोगरे की वेणी, आज क्या तीर चलाने वाले हैं? तीर तो चलेगा ही, आप जरा तफरीब तो रखिए मेरे गोभी के फूल, मेरे गुलाब के फूल। क्या बात है, आज खनिज बहुत रोमांचक मूड में है। आपको चैन की नींजा सुलाना है? आपको मीठी नींद चाहिए ना? तो आइए चल 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 आगे चल 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 चल। अभी आ गया, अभी अभी घुटनों के बल ऐसे बैठ जाइए। अच्छा बैठ गया। अभी अब थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहिए। ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ने खींची जा, ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ने खींची जा। ना ना रे रे वाय, ना ना रे सहवाय, ना ना रे रे वाय, ना ना रे सहवाय, मारा हैया माँ काई काई थाय। दया हो गई थोड़ी देर? थोड़ी देर मतलब आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहिए। आधे घंटे तक? आधे घंटे के बाद आपने जो खाना खाया है वो सारा खाना हजम हो जाएगा। अच्छा समझा, एक बार पेट खाली हो जाए फिर फिर क्या होगा पता है? क्या होगा? सर मार रही है। अरे हम दोनों के अलावा कौन है? हम दोनों के बीच में शर्म कैसी? बोल बिंदास बोल। तो अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो दिल थाम के सुनिएगा। बोल जल्दी बोल। तो
आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहने से आपको आपको मस्त नींद आ जाएगी। गुड नाइट। इस गेम में बहुत बोर हो रहा है यार। हाँ यार मुझे भी। सांप सीढ़ियां चढ़ ही नहीं रहा है तो क्या करे। एक काम करते अभी जल्दी सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठेंगे। क्यों? अरे कल सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर फिर शाम तोड़ने जाएंगे। गुड आइडिया टप्पू। ये सब आप सो जाइए, अब बच्चे नहीं आएंगे। मुझे पता है, मैं तो कल उन्हें कैसे पकड़ूंगा इस बात की प्लानिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये बच्चे कल भी आम तोड़ने जरूर आएंगे। उल्टा चश्मा।